गाइज आप सबको मैंने बोला था कि मैं एक पॉडकास्ट सीरीज लेके आऊंगा, जिस सीरीज में उन लोगों को लेके आऊंगा जिससे आप मोटिवेट हो, जिनसे आप सीख सके कि किसी भी एमएनसी के अंदर आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, किसी छोटी कंपनी में कैसे इंटरव्यू क्रैक किया करना है, कैसे करना है, इन द सेंस उन्होंने किया है, तो दे आर गोइंग टू शेयर योर जर्नी। तो इस सीरीज में मैं अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट को पहले पॉडकास्ट में, पहला जो स्टार्ट सीरीज हो रहा है तो उसको लेके आ रहा हूँ। उनका नाम है मिस्टर कलाम, एमडी कलाम। एमडी कलाम नेपाल से हैं और सारा कुछ मैं कलाम से ही डायरेक्ट पूछूंगा, और आप लोग भी मजे लीजिएगा कन्वर्सेशन का। एकदम जेन्युइन कंसर्न जो कन्वर्सेशन हो सकता है वही होगा। आपको पता चले कि कैसे कोई इंसान मींस जीरो से टॉप पर आ सकता है, और अभी इन्होंने जस्ट जर्नी स्टार्ट किया हुआ। ये नहीं कि मैं इनको नहीं बोलूंगा कि आप सक्सेसफुल हो गए, आप सक्सेसफुल होने की जर्नी पर हो। तो कैसे इन्होंने जर्नी को अपने एंजॉय कर रहे हैं और कैसे आगे जर्नी के लिए क्या प्लान है, इसके बारे में हम लोग डेप्थ में डिस्कस करते हैं। आप सीखिए कि कोई भी एक प्रोफेशनल को कैसे 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 बढ़ना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं, डिग्री पास आउट हैं, परसेंटेज कम है, तो आपको हीन भावना ना आए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी हम लोग कलाम से डिस्कस करें। कलाम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा इस प्लेटफॉर्म पे। पहले पॉडकास्ट को मैंने थैंक यू तुमको ही मच। चूज किया, मैंने कर नहीं, मुझे कलाम से स्टार्ट करूंगा इस पॉडकास्ट को। तो क्या बोलते हैं थैंक उसपे यू लॉट। चलो तो कलाम, पहले जस्ट थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना सबको कि तुमने डिग्री कैसे, सॉरी तुम्हारा जो डिप्लोमा हुआ कब हुआ, उसके बाद कैसे कैसे क्या किया, थोड़ा बहुत बताओ अपने बारे में। ओके हाँ, जैसे कि मेरा नाम कलाम है, कलाम हुसैन, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम नेपाल। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। एंड अगर मैं अपने डिग्री के बारे में बात करूँ तो 2022 में मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं। वो भी मैंने अपना स्कूलिंग भी नेपाल से ही कंप्लीट किया है, एंड डिप्लोमा भी मैंने नेपाल से ही कंप्लीट किया था। देन लाइक 2022 में मैंने डिप्लोमा मतलब एग्जाम दिया 6 सेमेस्टर का। देन आफ्टर दैट मैंने सर का इंटर्नशिप का कोर्स ज्वाइनिंग किया। अगर बात करें ये जर्नी का, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एक्चुअली। मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे लाइक नेपाल से यहाँ तक आज पहुंचा हूँ, लाइक कोलकाता। राइट, हम कोलकाता, तो मैं सारा जर्नी बताऊंगा धीरे धीरे। और अभी मैं कोलकाता में हूँ, एंड टुगेदर मैं आईआईटी परस्यूइंग कर रहा हूँ भोपाल से, आईआईटी यूनिवर्सिटी से। लाइक दैट इज माई यू नो पार्ट टाइम यू कैन से, और लॉन्ग डिस्टेंस। तो मैं टुगेदर अपना काम भी कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन पिनाकल इंफोटेक कंपनी, स्ट्रक्चर इंजीनियर हियर। एंड यस, सो दिस इज दिस इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तुम्हारा क्या प्रोफाइल, क्या है वहां पर, प्रोफाइल का नाम बता देना, थोड़ा सा आवाज वहां ब्लर हो गया इसलिए कुछ मेरा यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में हूँ, मतलब कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मॉड्यूलर। डिपार्टमेंट मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। मतलब पिनाकल में इसका अपना मतलब कैटेगरी होता है, कैटराइज करते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव, बीओपीटी और समथिंग लाइक दैट। तो मैं एग्जीक्यूटिव हूँ अभी। तो गाइस ये बीम के अंदर काम कर रहे हैं, बीम में भी इन्होंने इससे पहले भी एक कंपनी में काम किया, उसके बाद अभी ये फुल टाइम यहाँ पर लगे हुए हैं। इसको पहले छोटे मोटे जो कंपनी ज्वाइन किए थे वो एक अलग जर्नी है, वो तो हर किसी के लाइफ में आता है। तो सबसे पहले ये बताऊंगा, बताना कलाम की जब तुमने पहला इंटरव्यू फेस किया तो उस समय तुम्हें प्रॉब्लम क्या क्या आई, क्योंकि बहुत से लोगों को ना प्रॉब्लम आ जाता है इंटरव्यू को क्रैक करने, तुमको खुद भी आई थी तुमको पता है। तो तुम याद करो कि तुम्हारा जो पहला इंटरव्यू था वहां पर, जहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी बात कर रहा हूँ, हो गया वो तो चलो अच्छी बात है, जहां नहीं हुआ वहां क्या रीजन हो रहे थे, सर, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू, देन जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट माई इंटरव्यू व्हेन आई गेव इंटरव्यू इन विद यू इन मॉक इंटरव्यू। दैट इज नॉट माई यू नो इन दिस ईयर समथिंग, बट दिस इज ऑल्सो माई वन इंटरव्यू। बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट इंटरव्यू, यू नो लाइक दैट टाइम आई कांट एबल टू स्पोक एनीथिंग। एंड इवन यू लाइक यू आस्क मी वन क्वेश्चन, कलाम प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दिस दैट आई कांट एबल टू स्पोक यू नो। एंड आई जस्ट फेल्ड यू नो वेरी नर्वसनेस। एंड सो दिस इज वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि मैं खुद का भी इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। सर ने जब मुझे पूछा था कि कलाम अपना इंट्रोड्यूस करो, फर्स्ट मॉक इंटरव्यू था मेरा, और उस गुरुकुल में टाइम मैं बहुत नर्वसनेस फील कर रहा था। मतलब वो तो मैं सर के साथ मॉक इंटरव्यू था वो था, लेकिन मैंने एक कंपनी में पुणे में इंटरव्यू दिया था, और उस कंपनी का नाम था जेनेसिस, और जेनेसिस कंपनी था वारजे में था वो कंपनी, और मैं इमोशनली इंटरव्यू के लिए गया था वहां पे। तो उन्होंने उतना ज्यादा मेरा खास मतलब कि कम्युनिकेशन शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, तो मैं गया था इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे दो तीन क्वेश्चन पूछे थे,
पहले तो इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, जो भी मुझे टूटे फूटे लव में हुआ मैंने उसको एक्सप्लेनेशन किया था, बट फिर उन्होंने पूछा मुझे रिव्यू, कुछ मैंने बोला कुछ मेरे से नहीं हुआ तो मैं कह नहीं पाया था। और इवन एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी मुझे पूछा था कुछ रिव्यू के रिगार्डिंग की वॉल में लेयर वगैरह कैसे बनाते हैं, तो दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई कांट प्रिपेयर्ड वेल, सो दैट वाई आई एम नॉट। तो मैंने बताया सर मुझे नहीं पता, और मैं भी स्टिल लर्नर हूँ, तो आई विल लाइक मैं सीख जाऊंगा, अब अगर आप चांस देंगे तो ठीक है, ये मुझे करा, बहुत मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे मुझे बट उन्होंने ये सर, मुझे कलाम बहुत अच्छा लग रहा है राइट नाउ, टॉकिंग ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, एंड तुम्हारा जो मुझे फर्स्ट मॉक मेरे दिमाग पे चल रहा है, जब गई सी ये गुरुकुल के अंदर आया, जो गुरुकुल अपनी इंटर्नशिप चलती है उसमें आया, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि मैं क्या हूँ, जैसे इसने खुद बताया कलाम ने, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चा जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, राइट नाउ इज टॉकिंग वेरी वेल, और सिर्फ 2022 और ये 2023, ऐसा भी नहीं है कि 10-15 साल लगे इस चीज़ को इम्प्रूव करने में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आज एक अच्छे एमएनसी के अंदर पहुंचे हो इस एक साल की जर्नी में, सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। देखो पहला इंटरव्यू याद आ रहा था, तुम्हें हंसी भी आ रही होगी कि यार पहला इंटरव्यू कैसे गया था, है ना, और उस कंपनी में कैसे गया एग्जैक्टली था, सर, उस कंपनी में कैसे गया था, यस, ठीक है, और लाइक जेनेसिस नो, हाँ जे मतलब सोचो कि उस कंपनी में, जेनेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे यस गया यस था। दैट्स सर, जस्ट मैं थिंक करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, एंड ऑल्सो आई वाज लाइक यू शेयर विद वन स्टोरी बिकॉज, हाँ तो जेनेसिस से मुझे कॉल आया, उन्होंने बताया कि कलाम आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज वी आर वर्किंग यू नो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट, यू डोंट हैव मच मोर नॉलेज एंड यू राइट नाउ स्टिल लर्नर, सो इफ इन फ्यूचर आई हैव वैकेंसी देन डेफिनेटली आई विल रीच टू यू। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, तो मेरा नहीं हुआ था वहां पे, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ था, इवन मैंने शायद आपको बताया भी था, तो मतलब मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरा एक बार मैंने फिर से इंटरव्यू, वैसे तो मैंने दो तीन कंपनी में दिया, मेरा नहीं हुआ था, दिस इज द फैक्ट, नहीं हुआ था ड्यू टू सर मे बी यू कम्युनिकेशन, तो नहीं हुआ था। फिर एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू देने के बाद हो गया था फ्लेयर नेटवर्क में, वो कार्बे नगर की कंपनी थी, हाँ कार्बे नगर की, वो भी पुणे में है, तो वहां पे मेरा हो गया और मैंने काम भी 2 महीने किया था ड्यू टू सम, मतलब कि आपके वहां पे टिकला का क्लास स्टार्ट हो गया था और मैं प्रैक्टिस नहीं थोड़ा कर रहे थे। मतलब बिजी हो जाता, मैं कर नहीं पा रहा था, फिर मैंने आपसे मांगा सजेशन सर मतलब मेरा क्लास छूट रहा है, फिर आपने बताया कि ठीक है आप क्लास ही फोकस करो, मैंने जॉब छोड़ दिया था फिर, तो वो मेरा पुणे की फर्स्ट कंपनी थी, और फिर मेरा मोनार्क में हुआ था, मोनार्क में मैंने जॉब इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मतलब मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू दिया तो गया था 2 महीने के, मे बी 2 महीने के बाद फिर उन्होंने मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया था, तो मैं मोनार्क इनोवेशन में अब वो थोड़ा सा कंपनी के कलाम साथ एक्स में। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि जैसे कि किसी भी एक बीआईएम की कंपनी में किसी को सेलेक्ट होना है, तो उसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, तुम्हें जो लगता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये चीज़ अगर, एक तो कम्युनिकेशन तो फर्स्ट तुमने बता ही दिया, और क्या पढ़ना चाहिए तुम खुद से बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या एग्जैक्टली सर, अगर हम बताए ना डीम में, अगर डीम में हम एंट्री कर रहे हैं तो मतलब क्या चीज हमें पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, और टॉकिंग अबाउट लाइक कम्युनिकेशन, ये तो है कम्युनिकेशन, दिस इज द मेन थिंग, बट कम्युनिकेशन के अलावा भी है जो चीजें, जैसे कि अगर हम डीम में आ रहे हैं तो जैसे कि आपने एक शेयर किए हैं सारे गुरुकुल के बैच के साथ, वो इंटरव्यू गाइडेंस करते क्वेश्चन है सर, दैट दिस क्वेश्चन वाज लाइक यू नो लाइक वेरी यूजफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट यू बिकॉज दिस इज नॉट ओनली हेल्प फॉर मी, जिस जिसने मेरे से पूछा उनको मैंने शेयर किया, इवन मी एंड जितने भी गुरुकुल के बेस्ट के स्टूडेंट है सर, अगर मैं तो कहता हूँ वो पढ़ ले तो डेफिनेटली वो बंदा इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, क्योंकि करेक्ट मुझे नहीं लगता उसके बाहर कोई चीज पूछते हैं इंटरव्यूअर, करेक्ट सारा क्वेश्चन उसमें सारा सिविल के रिगार्डिंग हो, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हो, या फिर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हो, या फिर आई मीन बीम के रिगार्डिंग हो, सारा चीजें उसमें अवेलेबल है, बट तो मैंने जैसे मुझे मतलब कि कोई भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना हो सबसे पहले मैं आपका नोट भी पढ़ता हूँ, जो आपने सच में कह रहा हो सर, इवन मैंने पिनेकल में भी जॉब पाया है, तो उससे पहले भी आपका जो भी था मैंने उसमें स्टडी किए हैं, और मैं एश्योरिटीज देता हूँ कि उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, और पूछेंगे ये भी कहाँ से, वो मतलब हमें अगर हम डीन में आ रहे हैं तो डीन मॉडलर के पोजीशन पे आ रहे हैं तो वही पूछेंगे ना, रेविट से रिगार्डिंग पूछेंगे, एलओडीस वही रेविट पूछेंगे, या फिर बीम का साइकिल पूछेंगे, या फिर जो भी पैरामीट्रिक वगैरह है वही पूछेंगे ना, दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर गाइस अवेलेबल इन बीम गाइडेंस क्वेश्चन लाइक हु इज प्रोवाइड बाय सर, एंड दिस इज वेरी यू नो कलेक्टेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन,
तो हम कहते हैं अगर आप उसको प्रिपरेशन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत कई कई पड़ेगी। लोग को नहीं पता होगा गाइस, ये बात कर रहे हैं कलाम, बात कर रहे हैं गुरुकुल जो अपना इंटर्नशिप है उसमें एक नोट्स है कंप्लीट बीआईएम का, तो मींस सारे लगभग लगभग क्वेश्चन जो हैं वो उसी से पिक हो जाते हैं। उसमें एलओडी भी है, बीआईएम 360 के बारे में है, उसके बाद 2D 3D 4D के बारे में है, रेविट के बारे में है, वो पूरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग उसमें है। तो एक नोट्स में ही लगभग सारा कुछ कवर हो जाता है, उस नोट्स को पढ़ने में लगभग 1-1.5 हफ्ते लगते हैं। तो कलाम इज टॉकिंग अबाउट दैट नोट्स कि उतना पढ़ लिया तो आराम से हो जाएगा। पर अब गुरुकुल के बारे में बताओ कि तुम्हें गुरुकुल के बारे में कब पता चला, या फिर मेरे से कब कांटेक्ट किए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तुम ज्यादा बताओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली सर, सबसे पहले मैंने एग्जाम दिया था फिफ्थ सेमेस्टर का अपना डिप्लोमा का। तो उस वक्त ना मुझे मतलब मुझे कुछ नहीं पता था बीमून के बारे में कि आफ्टर मतलब ये डिप्लोमा के बाद भी कोई कोर्सेस होता है। मेरे दिमाग में बस एक ही बात था कि मैं अगर डिप्लोमा मतलब कि अगर मैं एग्जाम दे दूँ 6 सेमेस्टर के बाद फिर मैं सोचूंगा जो होगा वो होगा, ऐसे मेरे माइंड में था। बट यू नो सर, मैं दो बात के लिए मैं एक मतलब मेरा रीजन क्लियर था कि मुझे तो सरकारी जॉब में आई कांट इंटरेस्टेड, एंड अनदर थिंग इज दैट मैं साइड की जॉब नहीं करना चाहता था बिकॉज लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो मैं दो चीज नहीं करना चाहता था। बट तीसरा चीज मुझे पता था, मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने कितने अपने सर को भी पूछा, सर ऐसा नहीं हो सकता क्या आफ्टर डिप्लोमा कोई मतलब ऑफिस का जॉब हो? तो मैंने अपने सर वगैरह से पूछे थे, उन्होंने मतलब ना मुझे उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि क्लेरिफाई किया उन चीजों का, मुझे मैं उतना ज्यादा उससे उसके सेटिस्फाइड नहीं बाद हो से पाए मुझे थे वो उसमें। नहीं लगा कि सेटिस्फाई नहीं हुए हम। फिर एक दिन क्या हुआ, जब हमारा फेयरवेल का प्रोग्राम हो गया 6 सेमेस्टर का, फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो खोज रहा था, सडनली आपके वीडियो आए और आप उसमें टॉक मतलब बात कर रहे थे बीम के मतलब गुरुकुल बैच स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उसमें बीम का मतलब हम बीम का कोर्सेस ला रहे हैं, स्ट्रक्चर का कोर्सेस ला रहे हैं। तो फिर आपने उस बीच में एक बात भी बताया थे कि जो बंदे अगर डिप्लोमा किए हुए हैं अगर थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो बीम का कोर्स कर सकते हैं, और मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा था कि मतलब मैं अपना करियर बीम में बना सकता हूँ, और मेरी मतलब कि मुझे थोड़ा विजुअलाइजेशन का भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज था, मतलब कि मैं इंटरेस्टेड था। तो उसी वक्त आपने नंबर भी मेंशन किया था डिस्क्रिप्शन में, मैंने नंबर लेके आपको 10 बजे कॉल किए थे रात को, मुझे मतलब मेरी माई ने 10 बजे मैंने कॉल किया था आपको, आपने मुझे बताया कि हाँ मतलब कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक गुरुकुल का बैच आ रहा है उसमें ऐसे ऐसे, आपने सारा बात मुझे बताया, आपने इवन बताया था मुझे कि यू आर फर्स्ट पर्सन लाइक वी डिस्क्राइब अबाउट लाइक दिस एंड इस एंड एवरीथिंग, बिकॉज अभी उसी मैंने समय किसी से स्टार्ट हुआ शेयर भी था। नहीं किया। यस यस, जब आपने स्टार्ट किया था आपने बताया था कि अभी मैं लिख ही रहा हूँ और मैं मतलब क्या क्या हम करने वाले हैं डेली बेसिस पे वो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ नोट पे, और तुम फर्स्ट हो जिसको मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने मैंने मतलब कि डिसाइड कर लिया था कि आई विल गो लाइक मतलब मैं करूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, घर से बहुत ज्यादा मतलब कि वो होता है, तो मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं जाना चाहिए। फिर मैंने आपसे क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ, फिर आपने बताया ना अगर आपको आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन कम हियर। तो मतलब मैं पुणे के लिए गया, फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं घर से पुणे गया, और सर लाइक दैट वाज माय यू नो वेरी लाइक फर्स्ट जर्नी, मतलब वो फर्स्ट जर्नी था जो मैं घर से इतने दूर पुणे के लिए गया था। दिस इज नॉट अ बिग इशू बट फॉर मी आई थिंक दैट वाज वेरी बिग थिंग, एक बिकॉज नेपाल से मतलब कि पुणे जाना और वो भी अकेले जाना, और वो भी कभी भी मतलब ट्रेन का सफर नहीं किया था मैंने, फिर भी यू नो आई हैव वन थिंग लाइक मुझे करना है, एनी हाउ आई विल डू दिस थिंग। तो वेरी गुड। गया मैं वहां पे, फिर वहां जाने के बाद आपने कुछ मुझे इंफॉर्मेशन वगैरह भी शेयर किया था, एक बक्ता नाम के जो है वो गुरुकुल के बेस्ट स्टूडेंट है, तो उनका मैंने सर ने मुझे डिटेल वगैरह दिया था, उनके पास मैं गया पीजी में रुका, फिर इवन वहां से मैंने क्लास सर का अटेंड किया, 4 महीने का कोर्स था, 2 महीने में मेरी जॉब लग गई पुणे में, फिर वहां से बस। तो दिस इज तो माय अच्छा लाइफ स्टोरी। अच्छा तुमने किया तो सब ऑनलाइन है, क्योंकि अपना तो सब ऑनलाइन रहता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्लान ऐसा क्यों हुआ कि पुणे चल के ऑनलाइन करेंगे, ऐसा क्यों प्लान माइंड में आया? लाइक यू सर कैन यू रिपीट वंस, एक्चुअली योर आई वॉइस इज सेड स्टक। अच्छा देखो, आई सेड लाइक जब तुम नेपाल में थे तो नेपाल से भी ऑनलाइन क्लास ले सकते थे, बट तुम नेपाल से पुणे आने का तुम्हारा कैसे प्लान हो गया, कि क्योंकि पुणे में भी ऑनलाइन ही करना था।
ये तो पता ही था तुमको। हाँ 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 यार, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन एक्चुअली गाइस, ऑल्सो आस्क लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विद मी। तो सर द थिंग इज दैट कि हाँ, नेपाल से मैं कर सकता, एग्जैक्टली कर सकता था। मैं मुझे लगता है अगर मैं वहां पर रह के करता ना, तो मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले तो आने के रीजन कंफर्ट जोन छोड़ना था। सेकेंड थिंग इज दैट कि नेपाल में बीम की कंपनियां नहीं सर, कि अगर मैं सपोज वहां से भी करता तो अगर मैं इंटरव्यू सीख लेते तो कैसे दे पाऊंगा, करेक्ट, बहुत या अच्छा। अगर मैं सीख ही लू, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाऊँ, तो दिस इज द वेस्ट ना। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक नो, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे वहां जाना चाहिए। अगर वहां जाएंगे तो 1000 बीम की कंपनियां हैं, और मैं सीखते भी रहूंगा, अप्लाई भी करूंगा, इंटरव्यू भी दूंगा, तो लाइक आई गिव लाइक कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, एंड यू नो मैं लर्न भी कर पाऊंगा ज्यादातर। दैट्स व्हाई आई एम कैम लाइक फ्रॉम माई होम टाउन टू करेक्ट। कंपनी। और एक और क्वेश्चन कलामी रहेगा कि तुमने 4 महीने के गुरुकुल के प्रोग्राम में क्या सीखा, मींस लर्निंग और जो लाइफ साइकिल है सब कुछ मिला के क्या सीखा? एग्जैक्टली सर, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग माई फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक मैं कैसा था। मतलब कि गाइज एक बात, जैसे कि मुझे टूल के बारे में कुछ पता नहीं था, रेविट वगैरह के बारे में या फिर ऑटोकैड वगैरह के बारे में। इवन मैंने एग्जाम दिया था, डायरेक्टली मैं आ गया था अपने एग्जाम्स देने के बाद, तो सर ने जो एक स्केड्यूल बनाया था वहां पे, मतलब कि हमें ना डेली बेसिस पे हमें क्लास मतलब सर देते थे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। ट्रेनिंग और भी YouTube में बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा मतलब कि एजुकेशनल है, वहां पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यार मुझे नहीं लगता हमें मतलब कि देखो पढ़ाई करना मतलब वो देना, दिस इज अनदर थिंग, सब कर सकते हैं, बट एक मोटिवेशन होता है, और एक वो होता है कि डेली बेसिस पे जैसे जिस तरह से सर ने मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि कि खुद मतलब कि खुद के अंदर इतना ज्यादा वीकनेसेस फील हो, फिर भी वो बंदे जीरो से हीरो बन सकते हैं। दैट इज लाइक ये एक पढ़ाई की नहीं होता है, दिस इज मतलब कि एक मुझे नहीं लगता है कि स्टडी या फिर सॉफ्टवेयर स्किल ही सिर्फ मेंशन होता है उस चीजें में, नहीं, एनवायरमेंट भी इंपैक्ट बहुत पड़ता है। और जो भी आपके मतलब जैसे कि अब जैसे कि सर हुए या फिर मेरे जो जितने भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे जो भी थे, वो सारा एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। मतलब हम जब भी सपोज 2 घंटे 3 घंटे के होते थे, लेकिन इवन जो टाइमिंग होते हैं उसमें हम खुद से प्रैक्टिस भी करते थे, और यू नो मतलब कि हम मतलब कि हेल्प किया करते थे एक दूसरे को। और द थिंग इज दैट अगर सिविल गुरुकुल की बात करें, तो वो हमें डेली बेसिस पे जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि डेली बेसिस पे हमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे, और उस ट्रेनिंग में मतलब कि हमें लाइव प्रोजेक्ट भी करने कोई लाइव बात प्रोजेक्ट भी सर ने बहुत सारा मतलब कि एक मैं मेंशन नहीं करूंगा, उसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट भी सर ने जो ऑलरेडी करवा चुके हैं उस पे हमने काम करने का मौका पाया। तो दिस इज द वेरी यू नो यूनिक थिंग एंड गुड थिंग एक्चुअली, एंड उसके थ्रू हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, हमने हमें पता चला कि हाँ इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसा होता है। अभी तो मुझे पता है, लेकिन इन प्रीवियस टाइम आई वाज नॉट लाइक नो अबाउट इट ना, बट दैट टाइम में सर ने जो हमें जिस तरह से हमने गाइडनेस दिया। हाँ जैसे कि एक बात और कि सपोज सर ने कर दिए है, सर ने बताया यहाँ कि सपोज मानो तुम्हें सॉफ्टवेयर के जितने नॉलेज है हमें पता चल गया, ठीक, लेकिन द थिंग इज दैट कि अब जॉब कैसे ढूंढे, जॉब कैसे ढूंढे हमें, द थिंग इज दैट कि इंटरव्यू जैसे कि क्रेक कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा जिस तरह से सर ने हमें गाइड किया, वो और भी कोई मतलब सर इस तरीके से शायद मतलब करते, मैं तो नहीं देखा हूँ। तो जैसे कि सर हमें बताते थे कि सर्च जॉब कैसे करना है, और खुद की सीवी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करवाना है, इंटरव्यू देना है तो उसको क्रैक कैसे करना है, वो सारा आइडिया हमें हमें बताया है कस्पंडे सर ने, और बहुत अच्छे वे से। और मतलब कि क्योंकि वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं ये चीजें, वो खुद की लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करके हमें बताया है, तो उस चीजें मतलब वहां पे हम बहुत मोटिवेट भी होते थे, और प्लस में हमें इंटरेस्टिंग भी होता था, और सीखने का मतलब और ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता था। सो दैट वाज वेरी यू नो इंटरेस्टिंग थिंग, और मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको, क्योंकि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हमें दिए कि मतलब आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ, दिस इज नहीं, ऑल तुम ये थैंकफुल। प्लान तुम लोगों का था, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो तुम लोग के वजह से होती है ना। तो ये प्लान गुरुकुल भी निकल कहाँ से आया, तुम लोग से निकल आया कि भाई ऐसा कुछ हो तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो
तो कुल मिला के कलाम ने जो आपको बताया एग्जिस्ट गुरुकुल के बारे में, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कई लोग डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो बड़े अंदर से अपने आप में हीन भावना लिए रहते हैं, अरे मैं डिप्लोमा हूँ मेरा क्या होगा, देख लो डिप्लोमा होल्डर है और उतनी सैलरी ले रहा है कि क्या बोलते हैं आप जो सैलरी सोचते हो कि यार ये 3 लाख का पैकेज होना चाहिए, 4 लाख का पैकेज होना चाहिए, मुझे लगता है 4 के ऊपर वाला ही तुम्हारा काटा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोलते हैं सबसे अच्छी बात ये मुझे लगा तुम्हारे अंदर जो कलाम मुझे अच्छा लगा वो क्या कि तुमने जो ट्रेनिंग किया ना 4 महीने उसमें जो तुमने, क्योंकि तुम बहुत पहली बार सॉफ्टवेयर चला रहे थे लेकिन तुमने इतना दम लगाया, इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया तुमने, वो पोर्टफोलियो तुम्हारा आज भी मैं लगभग हर क्लास में दिखाता हूँ लोगों को, ये देखो ये ऐसे बनाना है। तो ये एग्जाम्पल कहाँ से सेट हो पाया, तुम्हारे क्वालिटी की वजह से ना, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन जो हार्डवर्क करते हैं, तुम्हारा जो आज भी तुम्हारा पोर्टफोलियो मेरे पास रखा हुआ है, मैं बच्चों को दिखाता हूँ कि देखो ट्रेनिंग करना है इस लेवल पे खुद के काम को लेके आओ, तो लोगों को लगता है हाँ यार ये तो कलाम ने इतना अच्छा बनाया है चलो मैं भी बनाता हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं पता बट बैच के लड़कों को तुम्हारा नाम जरूर पता होता है। तो ये कैसे हो पाता है क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी चर्चा वही बीच बीच में होती रहती है ना, देखो उसने ऐसा किया था तुम वो पहली बार ऐसा करके डिप्लोमा से अगर इतना कर सकता है 1 साल के अंदर इतना कर सकता है तो व्हाई नॉट यू। और आई थिंक अभी कलाम देखो कैसे, ये तो चलो एक टेम्परेरी सक्सेस हो गया, अभी तुम्हें और बड़ा करना है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि तुम और सोचो कि अभी नेक्स्ट में कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, क्या एपीआई डेवलपमेंट सीखने से फायदा होगा, डायनेमो सीखने से फायदा होगा, या फिर जो तुम्हें लगता है कि यार ये सीख लूँ मेरा बेटर होगा। कोशिश करो कि अगला जो साल हो, मैं तो यही बोलूंगा कि तुम लगभग 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज क्रैक करो, और 5 अगर कर चुके हो तो 6 7 8 का करो, प्लान ऐसा करो कि कुल मिला के 30% 40% हर साल बढ़े। अब वो कैसे बढ़ाना है बस माइंड में हमेशा रखे रहो कि यार करना है बस, हो गया। ठीक है, तो आज तुम्हारा फोन आया तो अचानक से मेरा प्लान हो गया, मैंने कहा चलो अच्छा बिलीव करो कोई प्लान नहीं था। ठीक है, मैंने कहा चलो पॉडकास्ट करते हैं, और मैंने सोचा कलाम से अच्छा पॉडकास्ट किससे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि तुम एक्चुअली फर्स्ट स्टूडेंट थे गुरुकुल के इंक्वायरी करने वाले, और पॉडकास्ट भी तुमसे स्टार्ट हो गया और ये पॉडकास्ट लंबा चलेगा, इसमें हर एक गुरुकुल जितने भी गुरुकुल के बच्चे जैसे विकास है, ठीक है, उसके बाद धनेश्वर है, ठीक है, उसके बाद अभिषेक है, उसके बाद ये सबको ही लेके करके लाएंगे, और उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा भाई क्वेश्चन क्या पूछते हैं। ठीक है, अभी लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन है, और तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव किया, तुमने इम्प्रूव कैसे किया पहले ये बताओ, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव किया तुमने, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। यस सर, मैं छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। जब मैं मोनार्क में काम करने गया था ना, पुणे से आफ्टर मतलब हाँ मोनार्क अहमदाबाद, में गया था गुजरात, यंग गाइस देन देयर ना लाइक ऑल माय को वर्कर लाइक ईच एंड एवरी पीपल लाइक बिलोंग्स टू लाइक नेटिव प्लेस लाइक गुजरात अहमदाबाद, गुजरात। देन दे गाइस ओनली स्पोक इन गुजराती एंड लाइक सम लाइक कोई कोई होता था जो इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन इवन जो जहाँ की मतलब होते हैं वो ज्यादा प्रिफर करता है कि नेटिव लैंग्वेज जो होता है उसमें बोलना, तो वो लोग खाली गुजराती में बात करता था। हमारे तो मतलब ऑलवेज उड़ लाइक जाता था। एवरीथिंग वाज बेंट ओवर माय हेड, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। बट आई हैव टू टू थ्री फ्रेंड हु बिलोंग्स टू केरला एंड दे गाइस कांट अंडरस्टैंड यू नो लाइक हिंदी अदर ऑल्सो, लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और या हिंदी, बट दैट टाइम आई कांट एबल टू स्पोक इन इंग्लिश एंड इफ आई वॉन्ट टू आस्क लाइक अ कप ऑफ टी, तो दैट टाइम आई जस्ट यू नो यू फील रियलाइज वेरी फेल। नर्वसनेस या ऑकवर्ड, हाँ तो यार मतलब कि मुझे खुद मतलब अजीब सा होता था कि अगर मुझे पूछना भी हो भाई थोड़ा चाय पीने चलोगे हाँ कैफेटेरिया में, तो मुझे मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक 2 टू 3 मिनट में मैं कैसे बोलूँ कैसे उसको। बोलूं, फिर धीरे धीरे जो भी था वहां भी मैंने सरवाइव किया, 6 7 महीने मैंने काम किया वहां पे। देन आफ्टर दैट मेरा यहाँ पे बैरकिन में हो गया हाँ कोलकाता में, तो मैं कोलकाता में आ गया था और वो दूर भी था और ये नजदीक थोड़ा हो गया नजदीकी था, तो मैं पर यहाँ पे आ गया। देन आफ्टर दैट यहाँ पे तो चलो ठीक है, जो मेरे कंपनी थे वो बेल्जियम बेस्ड कंपनी थे, तो यहाँ पे मतलब हमारा एकदम नेसेसरी था कि हमें कम्युनिकेशन आना चाहिए, क्योंकि द थिंग इज दैट यहाँ पे बस हमारे जो कंपनी में एचआर ही थी जो इंडिया से बिलोंग करती थी, और बाकी बात जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर थे सीईओ था जितने भी थे वो ऑल बिलोंग्स टू बेल्जियम एंड दे गाइज ओनली यू नो लाइक अरेंज मीटिंग एंड इफ वी हैव टू एनी कंसर्न इफ हैव टू एनी काइंड ऑफ इश्यूज और समथिंग लाइक दैट देन वी जस्ट टॉक ऑन लाइक बाई थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट टीम और बाई ई मेल और लाइक दैट। बट वहां पे चलो ठीक है, वहां पे भी मैं थोड़ा बहुत समझता था तो मतलब मेरा काम चल जाता था,
बट ड्यू टू मतलब लार्किन प्रोजेक्ट भी मैं मतलब अपना कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस कर पाया हूँ, क्योंकि दूसरा कोई वे ना था वहां पे, तो वो लोग हिंदी समझते नहीं थे, हमें डच तो समझना आता नहीं था, तो द थिंग इज दैट कम्युनिकेशन इज जस्ट वर्क एज अ ब्रीज, तो वो मुझे कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत था। और 2023 में जो मेरे दोस्त मिले लाइक विकास, शुभम, सो दे गाइस आर वेरी गुड। एंड यू नो अब हमारा जो हम एक फ्लैट में रहते थे सब लोग, तो सब एक मतलब कि सब बंदे मतलब कि एक पेज पे, आपको पता ही है कि और सब सारा गुरुकुल जो से थे बंदे गाइस, सभी लोग गुरुकुल से, ये भी जान लो, तो ये भी अच्छी या बात है। सब एक मिनट सर, हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो गुरुकुल से थे और एक रहने लगे, तो विकास को मैंने बताया विकास भाई मेरी ये इश्यू है, तो उन्होंने मुझे मतलब कि वो बंदे बहुत मस्त बंदे हैं, मतलब कि लाइक यू नो अबाउट हिम, लाइक हिज कम्युनिकेशन इज वेरी वेल एंड गुड, एंड ऑल्सो ही हैव अ लॉट ऑफ लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ओवरऑल लाइक एज कम्पेयर टू मी, बिकॉज लाइक ही हैज लाइक मे बी 6 to 7 years of सेम एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन कंपनी और एवरीथिंग, सो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू मी लाइक ही हैव अ लॉट ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज ना, तो मैंने उससे मतलब बताया मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उन्होंने ये बात बताया था कि कलाम इट्स फाइन लाइक योर कम्युनिकेशन इज नॉट वेल एंड गुड, लाइक आप इतना ज्यादा फ्लुएंसी नहीं है आपके कम्युनिकेशन में, बट एक चीज आप में है कि आप बोलना नहीं छोड़ते हो, लाइक इफ इफ यू मेक एनी मिस्टेक लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक, इफ यू प्रोनाउंस रॉन्ग समथिंग, बट लाइक आप में एक चीज है कि आप बोलते हो, सो दिस इज वेरी गुड थिंग। और धीरे धीरे उन लोगों के थ्रू हुआ, और जैसे कि मेरी कंपनी में भी मतलब वैसा इन्वायरमेंट था, विदाउट इंग्लिश हम बात नहीं करते दूसरे लैंग्वेज में, तो वैसे ही मतलब थोड़ा बहुत मतलब वहां से हेल्प हो गया, मेरे रूममेट्स वगैरह भी वैसा ही थे, तो मतलब द थिंग इज दैट कि वो सारी चीजें हो गई बात है। हाँ तो गुजरात में जो मेरे दोस्त थे सर वो लाइक ही बिलोंग टू केरला, आई थिंक गाइस कांट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, तो प्रीवियस 2 वीक पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, रिसेंटली उनको पता चला मेरे प्रोफाइल देखा कि मेरा पिनाकल में जॉब लग गया है, तो लाइक ही जस्ट वी डिस्कस अराउंड 20 to 25 मिनट्स, एंड ही जस्ट यू नो टोल्ड मी हाउ इज इट पॉसिबल मैन, हाउ यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर यू कांट एबल टू स्पोक अ लिटल अटर सिंगल वर्ड, यस योर कम्युनिकेशन वेरी वेरी गुड, हाउ इज पॉसिबल, मैं बोला भाई यार मैंने थोड़ा बहुत मेहनत की एंड द मतलब रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तो मतलब कि यस ऐसे ही सर अगर इफ वी यू नो स्टिल वर्किंग, अगर कुछ भी आप चाहते हैं उस पे काम अचीव इट एंड एवरीथिंग, बिकॉज यस नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, एंड यस सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज लाइक योर प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू एंड योर कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली गुड एक्चुअली एस इफ आई कंपेयर विथ योर प्रीवियस 8 to 9 month बिफोर। तो और दूसरी चीज़, चलो भी विकास भी तुम्हारा इंटरव्यू सुनेगा तो ये विल बी है फील हैप्पी कि चलो कलाम भी मेरे को महसूस कर रहा है कि हाँ यार मेरा भी काम हो गया। होप्स विल ट्राई टू कम विथ विकास ऑल्सो सून विथ द पॉडकास्ट। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इम्प्रूव किए कलाम। दूसरी चीज़, अभी ठीक है एक सर्टेन सो भी आ गया है धीरे धीरे, अभी और नेटवर्क तैयार। सबसे बड़ा फायदा तुम्हारे देखो क्या हुआ जो मैं समझ पाया, तुम्हारे सिचुएशन ने तुमको सिखा दिया। अगर केरला वाले फ्रेंड नहीं मिले होते तो सिचुएशन नहीं बनता, गुजरात नहीं गए होते तो फीलिंग नहीं आती कि मुझे कुछ करना है, बर्किन नहीं गए होते तो समझ नहीं आता मीटिंग कैसे समझना है, मीटिंग नहीं समझेंगे तो काम कैसे करेंगे, निकाल दिए जाएंगे। तो सिचुएशन ने तुमको सिखा दिया, दैट वॉज द गुड थिंग इफ यू लाइक समराइज योर लैंग्वेज राइट। तो यस सिचुएशन सर, दूसरी अच्छी चीज ये कि जो तुमने उसने बोला कि विकास ने भी सही बोला कि तुमने बोलना नहीं छोड़ा। मैं सबको यही बोलता हूँ कि इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, ये हमारी भाषा नहीं है। तो जब हमारी भाषा नहीं है तो गलती तो होगी है ना, लेकिन गलती के साथ देखो, आप भक्ता भक्ता को पहले हिंदी नहीं आती थी, जब पुणे में आया अपने यस गुरुकुल सर, में आया ठीक, उसको तो नेपाली केवल आती थी, बट गुरुकुल में आने के बाद देखो उसको धीरे धीरे कैसे लैंग्वेज उसका काफी इंप्रूव हो गया था लास्ट तक में है ना। और अभी तो मेरे से एग्जैक्ट फोन पे भी बात करता है तो हिंदी में प्रॉपर अच्छे से बात कर पाता है। तो कैसे, भाषा को सीखने का प्रयास किया, सीख गया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ अभी नेक्स्ट तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब ये मत बताओ कि क्या बोलते हैं किस कंपनी में क्या है से, ठीक है जस्ट इस तरीके से बताना है कि तुम अभी नया क्या सीख रहे हो ये बताओ। ओके जस्ट अ मिनट सर, हाँ एक्चुअली ना हाँ माय डाटा दी लाइक सर डाटा इज फिनिश नाउ, वाईफाई है कि नहीं? नो 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 आई जस्ट नीड टू कनेक्ट एक्चुअली, कैन आई स्टॉप जस्ट वन यस यस यू कैन फॉर टेक योर यू, टाइम।
यस यस यू कैन लेफ्ट एंड यस यस टेक योर टाइम, यू कैन कम विद द सेम लिंक। जस्ट अ मिनट, ओके ओके यस मैम। गाइस, आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा कलाम के साथ पॉडकास्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ये गुरुकुल का तो फर्स्ट स्टूडेंट है, बट क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक लर्निंग की आदत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ बात करके। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करिए सर और भी पॉडकास्ट ऐसे ही लाइए, क्योंकि ये फर्स्ट है। मेरी कोशिश रहेगी ढेर सारे पॉडकास्ट जो अच्छी अच्छी सच्ची कमरे, सोचो इसने बर्किन में भी इंटरव्यू क्रैक किया, मोनार्क में किया, अभी क्या बोलते हैं पिनेकल में किया, इसके पहले भी दो तीन छोटे छोटे कंपनियों में नहीं गया अलग बात है, बट क्रैक किया। और कम्युनिकेशन कलाम कैसा था कि वो इंट्रोडक्शन देने में अवेलेबल नहीं था, बट राइट नाउ ही टॉकिंग वेरी वेल, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। अच्छा भी लगता है कि अपने जब स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार अच्छा कर रहा है, ठीक है, मतलब निकला कहाँ से और कैसे जर्नी कर रहा है, तो बहुत प्रसन्नता होती है एज अ टीचर एज अ मेंटर। और आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो भी हम पॉडकास्ट करेंगे उसमें जिससे किसी से पूछना होगा तो आप बता सकते हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप बीम में या फिर स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहते हो तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके पास, जेन्युइन प्लेटफॉर्म। जेन्युइन मतलब जब बोलता हूँ जेन्युइन सिर्फ वर्ड नहीं है गाइस, जेन्युइन प्लेटफॉर्म इज गुरुकुल। हाँ ये है कि गुरुकुल में लिमिटेड सीट होती है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, बट हाँ ये जो अगर हार्डली 4 महीने मेरे पास टाइम स्पेंड कर दिया, वो भी ऑनलाइन करना है तो परफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने कलाम है, चलिए कलाम फिर से आ गए हैं, तो ये कलाम ये ऐसे हो गया था जैसे वो क्रिकेट का मैच, मतलब तुम क्या बोलते हैं गए थे तो एडवर्टाइजमेंट आने लगा, तो मैं प्रचार कर रहा था। चलो अच्छा हुआ, सॉरी कोई मेरा बात नहीं, फिनिश हो गया था। नहीं अच्छा हुआ इसी बीच में हम अपनी बात भी रख पाए ना, तो ये मुझे अलग से वो नहीं करना पड़ेगा एडिटिंग वगैरह, क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है और इसी में अपना सारा काम हो जाएगा। चलो तो कलाम अभी तुम क्या सीख रहे हो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, कुछ सीख रहे हो, कुछ नया प्लान कर रहे हो, एक तो कम्युनिकेशन हो गया और यस कुछ? सर, सबसे पहले तो मैं पहले जो काम करता था मतलब आर्किटेक्चर में काम करता था। ज्यादा जो मेरा मेन फोकस था, इवन मैंने जो वहां पे भी गुजरात में भी किया वो भी आर्किटेक्चर बेस्ड था ज्यादा, और यहाँ पे भी किया बैरकन में वो भी आर्किटेक्चर बेस्ड था ज्यादा। लेकिन यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर में स्विच किया हूँ सर। मतलब हाँ पहले आर्किटेक्चर में था, अभी मैं स्ट्रक्चर में स्विच तो किया हूँ। स्टार्टिंग तो तो दिक्कत आई मतलब होगी। हाँ, द थिंग इज दैट कि दिक्कत इन द सेंस कि दिक्कत तो होता ही है ना सर, थोड़ा बहुत तो होता ही हाँ है। और मतलब मैंने यही मतलब रहता है। कि सीखा भी है स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। इवन मैंने कोई कोर्स वगैरह तो परचेज नहीं किया है अभी तक, नहीं कोर्स लेकिन नहीं, मैंने यूट्यूब से तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। और लाइक दिस इज नॉट बिग इशू, इफ अगर आपको नॉलेज है आर्किटेक्चर के बारे में तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत हो करते जाता हैं है तो स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे। दिस इज भाई। नॉट लाइक बिग डील। उसी बीम कॉलम को जो बनाए थे उसी की डिटेलिंग करना है तो थोड़ा सा हाँ और पढ़ एग्जैक्टली लेंगे, इतना वो नहीं, मतलब ऐसे नहीं। देखो कैसे होता है, सिर्फ कोर्स से ही सीखना जरूरी नहीं होता है, सिचुएशन से सीखना जरूरी होता है, गूगल से सीखना जरूरी होता है। तो अभी देखो जब तुम वहां जाते हो, प्रोजेक्ट मिल गया तो अंडर प्रेशर आ जाते हो ना, यार इसको करना है कैसे करूँ, है ना। तो मैं तो बोलता हूँ हम मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि जॉब में क्या पाया, जैसे मैं जो जॉब किया मैंने क्या पाया, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ नहीं पाया तो गलत होगा। मैंने पाया पैसा नहीं पाया, जो पैसा पाया वो खाने के लिए पाया, वो तो चलो ठीक है तुम भी पा रहे हो हम भी पाए थे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हम लोग एक्सपीरियंस पाए, काम को सीखे, तो उस कंपनी को हमें धन्यवाद। पैसे के लिए करना हो तो कर लो, पैसे के लिए नहीं करना तो नॉलेज के लिए जरूर कर दो। अगर बर्किन नहीं गए होते तो तुम्हारा रेबिट आर्किटेक्चर स्ट्रांग नहीं हुआ होता, पिनेकल में नहीं आए होते तो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स अच्छी नहीं होती, मोनार्क नहीं गए होते तो अंडर प्रेशर काम कैसे करना है कैसे सीखते, है ना। तो क्या बोलते हैं गाइस, आप लोग सोचते हैं ना कि छोटे छोटे पैकेज लाइक कलाम ने आई थिंक 10,000 से स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट कलाम, हाँ, लगभग लगभग मतलब टे कि मेरा 15,000 सैलरी था मोनार्क हाँ में हाँ और 12 इन हैंड मिलता था, तो यस ट्वेल्व आ ट्वेल्व के रहा आसपास ना। हाँ तो मतलब कोई हम यही नहीं बता रहे हैं कि आपकी देखिए उनका इतना कम सैलरी, नहीं ये जो बता रहे हैं कि उसने स्टेप लिया कि ठीक है सैलरी डजेंट मैटर, पहले क्या है एंट्री जरूरी है। अब देख लो अभी परफॉर्मेंस अलग हो गया, ठीक है अभी घर वाले तो खुश होंगे हैं, हूँ। हाँ सर, अब इसलिए कुछ है और मुझे मतलब लगता है कि तुम्हारा वेट मतलब वेट कर, ये भी बोलो 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 तुम बोलो। नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं अभी पिनाकल में जॉब कर रहा हूँ, तो पिनाकल में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरा पिनाकल में शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, और मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो यहाँ का भी जो प्रोसेस था बहुत लॉन्ग प्रोसेस थे। मैंने 6 राउंड इंटरव्यू दिया हूँ यहाँ आने के लिए। तो अच्छा द राउंड थिंग क्या इज क्या थे दैट बता इट्स दो। नाउ यस यस मैं बताऊंगा 1 मिनट। मतलब कि इवन अगर मैं आज यहाँ पे हूँ
पिनेकल की जो मतलब इंटरव्यू देके आर्मी यहाँ पर आया हूँ, दैट मीन्स कि कुछ तो है, क्योंकि मतलब कि मुझे नहीं लगता कि लाइक मतलब ऐसे ही बंदे को पिनेकल ले लेती है। नो, इसका भी बहुत मतलब कि क्राइटेरिया है, बहुत सारे चीजें हैं जो वो लोग देखते हैं। सर सबसे पहले तो मेरा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइक कैसे कैसे प्रोसेस हुआ था हाँ पिनेकल में जॉब के लिए, इससे पहले जो थिंग था शॉर्ट लिस्टिंग था, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का, तो वो वहां पे मेरा प्री टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था सबसे पहले। तो प्री टेलीफोनिक इंटरव्यू में मैम मेरे से मतलब सारा अप्रोक्स 30 to 35 मिनट मैम ने मेरे से बात किए थे मोबाइल के ऊपर। उन्होंने सारी चीज मुझसे पूछी थी, मेरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैसे कैसे प्रोजेक्ट में मैंने काम किए हैं, कितने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरीथिंग लाइक ही डिस्कस्ड अबाउट लाइक दिस थिंग्स। फिर उनको लगा कि ठीक है, ये बंदे मतलब है, तो उन्होंने फिर मेरा रिज्यूमे अपडेट मांगा, मैंने उनको दिया था, फिर अपने सीनियर के साथ उन्होंने शेयर किया। शेयर करने के बाद एक तो मैम ने शॉर्ट लिस्टिंग किया था, देन उनके जो पीडीएस थे उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया, फिर मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड इंटरव्यू में वही दो सर थे, दो मैम थी, एक सर थे। उन्होंने सारी टेक्निकल के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, जो भी बीम के रिगार्डिंग होता है, मतलब कि ज्यादा तो मैं तो एलओडी के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग किया था ना, एक्सपीरियंस तो लेके। मुझे ज्यादा या तो ज्यादा ऐसे मतलब कि मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था ज्यादा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर आते हैं तो ज्यादा मतलब रेबिट वगैरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बाय द वे, अगर आप एक्सपीरियंस आते हैं तो आपको सिचुएशन बेस्ड पूछेंगे कि सपोज ऐसे चीजें हैं तो आप कैसे करेंगे, ये चीजें ऐसे हैं तो आप कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, ये ऐसे सारी चीजें मेरे से पूछ रहे थे। फिर सर ही लाइक आस्क लाइक मोर देन 3 टाइम्स वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट कि आप जॉब छोड़ क्यों रहे हैं, व्हाई यू वांट टू स्विच योर जॉब, एंड आपने जो इतने शॉर्ट इंटरव्यू मतलब कि इंटरवल टाइम में आपने दो कंपनी स्विच की है, एक तो पहले किया है 6 महीने में, 6 महीने अभी 6 7 महीने हुए हैं बैरकेन का, वो छोड़ रहे हो, तो भैया रीजन क्या है जो जॉब इतना जल्दी जल्दी छोड़ रहे हो, आइए बताओ कि आप क्या मुझे एश्योरिटीज देते हो कि मेरी कंपनी में आने के बाद मेरी कंपनी नहीं छोड़ोगे। तो सही बात है, पक्का द पूछते थिंग हैं। इज दैट कि या एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वाज यू नो मतलब कि ये यहीं पे आके लोग फंस जाते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं जॉब एक एक साल में 2 3 कंपनी स्विच किया हूँ तो पूछेंगे ही, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन बनता है पूछना। तो मेरे से भी ऐसे क्वेश्चन 2 3 बार उन्होंने पूछा था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको कि सर मैंने एक्चुअली उसको बताया था सबसे पहले मना क्यों आ रहे हैं कि क्यों स्विच कर रहे हैं, तो मैंने ना वो रियल फैक्ट भी था एक्चुअली, मैंने उसको बताया था सर द थिंग इज दैट कि वहां पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो वो मैंने जाड़ा के मौसम आ जाते हैं, तो वहां पे क्या था, मैं स्कैन टू बीम का काम कर रहा था, तो जाड़ा के मौसम में जो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट है वो आना बंद हो जाता है, तो उस टाइम में बस कंपनी जाता था और आता था, काम नहीं था। सो दैट्स व्हाई लाइक आई वाज थिंकिंग यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया, मेरा दूसरी कंपनी से मतलब मेरा मतलब कि अच्छे पैकेज भी दे रहे थे और काम भी अच्छा था, तो मतलब मैंने स्विच किया था बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, इट आर माई स्किल ऑलवेज एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, सो दैट वॉज दैट टाइम आई वॉज जस्ट लीव माई जॉब। तो ऐसे करके मैंने उसको बताया था, फिर बैरकेन के बारे में पूछा उन्होंने कि ये क्यों छोड़ रहे हो, तो मैंने उसके बारे में बताया सर एक्चुअली ना यहाँ पे मैं काम करता हूँ, दिस कंपनी इज नॉट लाइक बैड कंपनी बिकॉज दिस इज ऑल्सो बेल्जियम बेस्ड कंपनी, हियर वी हैव ऑल्सो लाइक यू नो मतलब आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, यहाँ पे भी मिडिल ईस्ट वगैरह का प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, विलाज अपार्टमेंट हो गया, विलाज हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो मतलब बट आई वॉन्ट टू यू नो, और आर्किटेक्चर का काम होता है बेसिकली यहाँ पे, बट मैं स्ट्रक्चर सीखना चाहता हूँ, अपने कैरियर को स्ट्रक्चर में बनाना चाहता हूँ, और मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, जैसे कि पिनाकल, पिनाकल एंड ऑल्सो पिनाकल इज माई ड्रीम कंपनी। सो लाइक मैंने उससे कहीं तो बताया था, उन्होंने मतलब सारी चीजें तो ठीक है करके मतलब मेरा वो हुआ था, फिर टेक्निकल में हो गया, वही सारी चीजें पूछी थी, पूछा था थर्ड राउंड उसमें रेबिट टूल टेस्ट था, वही टूल टेस्ट मतलब कि कुछ स्लैब वगैरह दिया था, उसमें रेनफोर्समेंट लगाना था, वैसा करके था। फिर एक था एमसीक्यू टेस्ट था, एमसीक्यू में 100 क्वेश्चंस थे, मतलब कि 120 मार्क के क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चन, 1 घंटा का क्वेश्चन था, 1 घंटा में करके हमें देना था, कैसे क्वेश्चन वो हो थे, गया। मतलब फिर किसके रिगार्डिंग उसके क्वेश्चन बाद थे? रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, मतलब मेरा जो डेजिग्नेशन था स्ट्रक्चर का था, तो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, सारा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग थे, जैसे कि अब सपोज वो लोग
आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, तो अब कोड वगैरह के बारे में हो गया, सिर्फ कोड वगैरह के बारे में हो गया, या रिबार के बारे में हो गया, सारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर की डिटेलिंग रिगार्डिंग है, डिटेलिंग से बीम रिलेटेड से क्वेश्चन। भी क्वेश्चन थे, सब ड्राइंग हो गया, मतलब कि 20 या 25 मार्क ऐसे कुछ करके, नहीं सॉरी 40 मार्क स्ट्रक्चर से था, स्ट्रक्चर डिटेलिंग से और ऑटोकैड से था और नेविस वॉक से था और स्ट्रक्चर टूल से भी था, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला के मतलब 100 क्वेश्चन थे। तो ये हो गया, फिर ये सारी चीजें हो जाने के बाद उन्होंने फिर मुझे बताया, मैम ने मुझे फिर से बताया कि आप टेक्निकल डिस्कशन मतलब जो फाइनल राउंड था, मतलब सेकेंड जी फाइनल डी राउंड, हाँ जी डी ग्रुप डिस्कशन, मतलब कि आप गुरु, हाँ ग्रुप डिस्कशन ही समझिए, तो टॉपिक टेक्निकल देता राउंड जी। डिस्कशन है सब। उन्होंने बोला कि उसके लिए आपको यू नीड टू कैम हेयर लाइक दुर्गापुर में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि लाइक यहाँ के जो मैनेजर है ही नीड टू लाइक मीट विद यू इन पर्सनली। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था, मैम एक्चुअली ना मैं मतलब कि छुट्टी नहीं दे रहा है, आप ऑनलाइन ले लीजिए। उन्होंने नहीं बोला कि ऑनलाइन नहीं होगा, लाइक आपसे वो मिलना चाहते हैं इन पर्सनली। सर मैंने ना मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यार मैंने 4 राउंड इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सारा चीज हो गया, फिर भी वो बंदे मुझे बुला रहे हैं वहां, कुछ तो नहीं हो जाएगा। द थिंग इज दैट ही जस्ट यू नो मतलब कि वो जानना चाहता था कि कम्युनिकेशन कैसा है, और मतलब कि होता है ना कि अगर आप सामने रह के किसी बंदे से बात करते हैं तो वो सारा चीज वो मतलब जज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पड़ा था और मैं आया था यहाँ पे, आने के बाद अप्रॉक्स 45 मिनट डिस्कशन हुआ, दो सर थे, दो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, और सर इतना क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं तो सोच रहा था बस बोलेंगे हाँ मतलब कुछ ऐसा डिस्कशन होगा, लेकिन ऐसा टोटल अपोजिट हो गया, इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक चुप था तो दूसरा पूछता बंदे, दूसरा जो गया तो दूसरा पूछता था, लेकिन मतलब सारा क्वेश्चन रिलेटेड ही था, बीम का था या फिर मेरे जो भी काम स्विच कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग था, ये सारे क्वेश्चन। तो मैंने सारा क्वेश्चन एकदम कंफर्टेबली एकदम अच्छे से जवाब दिया उसको। एक जो सर थे वो मतलब उसको थोड़ा जाना था बाहर, उन्होंने बोला कि कंग्रेचुलेशन कलाम, आई लाइक आई कॉल्ड यू बिकॉज हियर, सो दैट्स व्हाई आई थिंक यू गॉट सिलेक्टेड, अगर आपको मैंने यहाँ पे बुलाया दैट मीन्स कि यू, थैंक यू मैंने बोला उनको, फिर वो चले गए। फिर दूसरे सर थे, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया हिंदी में बात करना, बोला कि कौन कौन से लैंग्वेज आता है तुम्हें, फैमिली बताओ वगैरह वगैरह, फिर बाद में डिस्कशन सैलरी का हुआ। फिर कुछ दिन के बाद एचआर ने कॉल किया तो फाइनल राउंड करके मतलब यहाँ का प्रोसेस हुआ था, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी यू नो लाइट, यू कैन से लाइटली मतलब कुछ था, हाँ, मतलब कि थोड़ा अच्छा थोड़ा लगा कि टेक्निकल एमएनसी, था। अच्छा लगा कि बड़े कंपनी में इंटरव्यू लेते कैसे हैं, ये हाँ सीखा सर होगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये गाइस, ये बड़े कंपनियों में हमेशा होता वहां है। पे, यहाँ पे मतलब कि लेते कैसे हैं और क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पे आप सारी चीजें मतलब आपको जज किया जाता है, बंदे को पता है सर मतलब कि ये चीज नहीं कि मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो मैं उसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो एक चीज, लेकिन जब एमएनसी जाओगे जाए मतलब एमएनसी में तो जाते हैं तो सारी चीजें वो देखते हैं, इवन आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, लिंक्डइन चेक होता है, ईच एंड एवरीथिंग का डिटेल वो लेते हैं कि मतलब कि क्या है कैसा है वो, क्या मतलब लाइक कि कर रहे हो, ऑलरेडी कैसे लाइक कर रहे कॉन्टेक्ट हो, कैसे पोस्ट को लाइक कर रहे हो, एग्जैक्टली वो सब कुछ। मैं वही गाइस सबको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया आप थोड़ा सही से चलाया करिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी आजकल बैकग्राउंड चेकिंग में आता है, तो आपको बैकग्राउंड चेकिंग करते एग्जैक्टली हैं। और बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया एक्चुअली में। सर, इवन अगर अगर जॉब मिल गई है, अगर फिर भी आप अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल ओपन रखे हैं तो उसके लिए भी आपको बोला जाएगा हाँ कि यू शुड क्लोज योर ओपन प्रोफाइल बिकॉज यू सिलेक्टेड हियर। हाँ मीन्स अभी जस्ट आए हो, पता चला फिर से चेंज करना नहीं। ठीक, अभी हम तो, मैं यही तुमको सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स डेडिकेटली अच्छे से अपने प्रोफाइल को, कैसे होता है प्रोफाइल में बार बार स्विच दिखेगा ना, तो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो कम से या कम 2 साल एग्जैक्टली अच्छे से फोकस करो। होप सो यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल में भी देखना, कुछ दिन बाद अच्छा परम काम करोगे ही करोगे तो तुम सीनियर हो जाओगे। जब सीनियर होकर निकलोगे तो डेफिनेटली उसके बाद जो पैकेज भी लगेंगे बेहतर लगेंगे, और ऐसे ही अगर ऐसे करते रहोगे तो डेफिनेटली आज एक करके धीरे धीरे हो जाएगा। फिर शादी होदी करोगे, शादी कब करोगे? नॉट इट सर, अभी अभी बहुत लंबा प्रोसेस है बाकी, ठीक है, एंड समथिंग अभी अभी कुछ अचीव कर लो, पहले कुछ अचीव कर लो, एंड उसके बाद धीरे 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 प्लान करना। गर्लफ्रेंड तो आई गई होगी लाइफ में, कि गर्लफ्रेंड भी नहीं आई?
ओहो नहीं है। हाँ तो नहीं है कह रहा हूँ सर। ठीक, मैं पूछता हूँ तुम्हारे दोस्तों से, पूछता हूँ तो पता चलेगा। चलो और क्या बोलते हैं, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो, और मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो इसी बहाने कन्वर्सेशन भी हो गया हम लोग का, और कन्वर्सेशन के बहाने क्या हो गया, कई लोगों को ये बेनिफिट मिला होगा कि यार अगर कलाम कर सकता है तो व्हाई नॉट वी यार, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं तो कहता हूँ यार सब बढ़े ना, है कि नहीं, कलाम सब बढ़ेंगे तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे सबके पास एक अच्छी जॉब होगी, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, और डोमेन का भी नाम होता है कि देखो इस डोमेन के लड़के यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, है ना। अब सोचो कि एग्जैक्ट तुमको बीआईएम के बारे में पता था, बहुत लोगों को बीआईएम के बारे में पता ही नहीं रहता है, तो अगर उनको पता चल जाए कि भाई बीआईएम में करियर बना सकते हैं, बीआईएम में कई ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं, देखो अभी कलाम ने ही दूसरी प्रोफाइल में, एक साल के अंदर दूसरी प्रोफाइल में चले गए कलाम एक तरीके से, है ना कलाम। तो एक साल में तुमने आर्किटेक्चर से स्टार्ट किया, अभी स्ट्रक्चर डिटेलिंग में आ गया, अभी आगे हो सकता है कोऑर्डिनेशन में चले जाओ, हो सकता है आगे मैनेजर की प्रोफाइल आगे फ्यूचर में तुम्हारा वेट कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा है कि तुम करते रहो। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट भी मैं तुम्हारे ही दोस्तों में से किसी एक का करूंगा, या तो शुभम का या फिर विकास, जो भी अवेलेबल होंगे, और इसको जारी रखूं। कैसा लग रहा है ये आपको पॉडकास्ट? और गाइस सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो ये सोच और रहा हूँ मैं तो कि ये कहना चाहता हूँ ये सर सही मैं तो ये सोच रहा हूँ कलाम की क्या बोलते हैं, अगर लोगों को पॉडकास्ट, क्योंकि लोगों को अच्छा ही लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स में भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। 2 to 3 person कैन टॉक, 2 से 3 लोग एक साथ पॉडकास्ट करें, और क्या बोलते हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जस्ट लाइक अ मीटिंग, है ना। बट वो मीटिंग नहीं रहेगी, जस्ट कैजुअल टॉक ही, क्योंकि मीटिंग टाइप वाला टॉक जो होता है ना, मुझे मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। जैसे कि मैं जब तुम्हारा ये पॉडकास्ट करने आ रहा था, तो मेरे टीम को बोला टाई वो पहन लो, क्या बोलते हैं, ब्लेजर पहन लो। मैं कहा भाई ठीक है, हम सादे आदमी हैं, हम ऐसे ही सही है, जो हम घर में पढ़ने रहते हैं वही हम डिजिटल मीडिया पे भी पढ़ते हैं, मुझे लगता है सादगी रहना जरूरी है कि नहीं। ये ओवर एक्टिंग वाला आदत तो अपना है ही नहीं, मतलब बिल्कुल पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता, वो अजीब सा लगता है। और फ्री होके टॉक करना, और तुम भी बहुत सच्चे दिल के इंसान हो, डेफिनेटली मैं तुमसे मिल भी चुका हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि तुम इस तरीके से तरक्की करो, अपने घर वालों का भी थोड़ा सा ऐसे नाम रोशन करोगे तो अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे कॉलेज के लोगों को भी पता चले कि भाई कलाम ने ऐसा किया है, तो बाकी लोग भी अभी धीरे धीरे कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसी उम्मीद है। कई लोग तुमको व्हाट्सएप मैसेज कर चुके होंगे, अगर जानते होंगे कि तुम पुणे में आए हो या जॉब कर रहे हो, पूछते कि नहीं लोग कि क्या बोलते हैं कहाँ कर रहे सर। हो। सबसे पहले ना जो मेरे टीचर लोग हैं ना, मतलब हाँ कि जो टीचर लोग हैं वो भी मुझे मतलब कि मैसेज करते हैं, पूछते हैं। उनको पता है ना कि मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इवन। तो मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मतलब मुझे यकीन नहीं था। इवन जो मैंने बताया ना कि एक सर से मैंने ओपिनियन मांगा था सर क्या करना चाहिए, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, मैसेज किया था कि कलाम मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि तुम यहाँ से वहां तक जाके इतना बड़े कर सकोगे, लेकिन आपने किया, दिस इज वेरी गुड थिंग। और वो एग्जाम्पल देते रहते हैं लाइक दैट। हाँ और मेरे दोस्त लोग तो है ही, मतलब कि हाँ सब मतलब कहते हैं और कांटेक्ट वगैरह भी करते हैं वो लोग भी। ऑलरेडी मैंने आप एक चंदन के बारे में बताया था आपको, वो भी हाँ करना चाहते हैं। चंदन ने और कांटेक्ट एक किया फिर, और लेकिन वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाया मुझे लगता है, फिर उसने शायद, वो ये वो ना एक्चुअली वो कनाडा जा रहा है, इसलिए मतलब थोड़ा वो अच्छा देखकर तो मतलब ये डेफिनेटली अब सब खुश है और मैं हाँ भी डेफिनेटली आई एम सो बहुत हैप्पी विद अच्छा, माय सेल्फ। मैं बहुत या हैप्पी हूँ, मैं तुम्हारे देखो लिए बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी रहता हूँ। और ये तुमको पता है, मुझे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट अभी कन्वर्सेशन हो रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ। मैं बात करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट की योर स्टोरी, इट्स लाइक कि लोग सीखें कि भाई अगर कलाम कर रहे सकते हैं तो वाई नॉट वी आर, एंड सब सबको ट्राई करना चाहिए यार। मैं तो चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस होंगे, उतना ज़्यादा ज़्यादा लोगों का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। चलो थैंक यू कलाम, और होप सो तुमको मजा आया होगा, तुम्हारा भी आज छुट्टी का 1 घंटा मैंने ले लिया, ठीक है, बट थैंक यू। क्या ठीक है, और बट ठीक है, एंजॉय करो अपने छुट्टी को, एंजॉय करो, पर यही कोशिश करो ना सैटरडे संडे में कुछ नया सीखते रहो। इट्स नॉट अबाउट कि कोई कोर्स ही करना है, इज अबाउट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इज अबाउट यूट्यूब पे कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा यही कहना रहता है। मैं तो आज भी मैं सोच रहा था कुछ नया सीखूं, तो मेरे दिमाग में आया कि पॉडकास्ट का करेंगे, तो फिर तुमसे बोल दिया था, तब से मेरे दिमाग में था कि हाँ चलो पॉडकास्ट करेंगे, और फिर मैंने और भी प्लानिंग कर लिया, अब यहाँ पर नहीं शेयर करूँगा, आगे की प्लानिंग सीक्रेट रहेंगी। चलो और तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो,
क्योंकि क्या बोलते हैं नहीं सर, आते कोई जाते। क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है मुझे, हाँ लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सारे मतलब जो भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं सबको, क्या क्योंकि मगर अगर मैं आपके डिप्लोमा ये चीज अचीव कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। और यार कोई चीज ऐसा नहीं होता है कि मतलब इम्पॉसिबल हो, अगर आप करते हो अपने 100% देते हो डेफिनेटली आप अचीव करोगे। यस और मतलब कि पॉजिटिव रहो, हरदम हरदम सीखने की कोशिश करो, डेफिनेटली यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। अच्छा तो ग्रेट, थैंक यू सो मच कलाम टाइम देने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये कि तुमने लोगों को मोटिवेट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और नेक्स्ट स्पोर्ट्स का जो भी करेंगे उसमें ग्रुप करेंगे, दो तीन लोगों का करेंगे जिसमें तुम भी ओके रहोगे और भी कुछ लोग रहेंगे, ठीक है।